देहरादून में आज से शुरू हुआ मिलेट महोत्सव, प्रदेश में 4 दिनों तक ये महोत्सव चलेगा। आपको बता दें कि कुल 134 स्टॉल लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री धामी और कृषि मंत्री ने शुभारंभ किया है, 134 स्टॉल इसके लगाए गए हैं। मिलेट उत्सव है ये और देहरादून में आज से इसका आगाज हो गया है। मोटे अनाज से बना हुआ खाना इन स्टॉल्स में परोसा जा रहा है। 4 दिन तक ये महोत्सव चलने वाला है। मुख्यमंत्री धामी और कृषि मंत्री ने इसका शुभारंभ किया है। आपको बता दें कि मिलेट्स यानी कि मोटे अनाज को प्रमोट करने का सरकार ने उद्देश्य रखा है। मोटे अनाज को लेकर देखिए तरह तरह की रिसर्च होती रही है और मोटा अनाज पहले भारत में बहुत खाया जाता था। अलग अलग राज्य में अलग अलग अनाज मोटे अनाज के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। खिचड़ी बहुत खाई जाती थी, लेकिन धीरे धीरे गेहूं का ऐसा चलन शुरू हो गया कि गेहूं ज्यादा खाया जाने लगा और अन्य अनाज दरकिनार किए जाने लगे। अब जिस तरह से लगातार बीमारियां फैल रही हैं और जिस तरह से मोटे अनाज का जो पोषण वैल्यू है अब उस पर कहीं ना कहीं ध्यान दिया जा रहा है और इस कदम की सराहना इंटरनेशनल स्तर पर भी खूब हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खूब हो रही है, क्योंकि मिलेट्स मोटा अनाज है, फाइबर से भरपूर है, तमाम तरह के पोषक तत्व इसमें है। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है वो अनाज जो लोकली उपलब्ध है जहाँ पर ज़्यादा वो अनाज होता है, एक तो वो ताज़ा ही मिल रहा है। चाहे आप बाजरे की बात कर लीजिए जो राजस्थान में होता है, ठीक ऐसे ही उत्तराखंड की हम बात करते हैं तो यहाँ पर पहाड़ी राज्य है, यहाँ पर राजमा और कई दालें और कई मोटे अनाज ऐसे हैं जो पहाड़ी राज्य में उत्पन्न होते हैं। ऐसे में प्रयास मिलेट्स महोत्सव के जरिए यही किया जा रहा है कि स्थानीय उत्पादों को ज्यादा से ज्यादा पहचान दी जाए। मुख्यमंत्री धामी और कृषि मंत्री ने किया है शुभारंभ। यहाँ पर स्टॉल लगाए गए हैं कुल 134 जिनमें मिलेट से बने हुए उत्पाद रखे गए हैं। साथ ही साथ इस उत्सव के जरिए लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है कि किस तरह मिलेट्स सेहत के लिए बेहद फायदेमंद हैं और सेहत में सुधार का काम करते हैं, सेहत को मजबूती प्रदान करते हैं। और अगर आप भी चाहते हैं अच्छी सेहत तो मिलेट का इस्तेमाल करें, मिलेट को अपने जीवन में शामिल करें, मिलेट्स फूड को लगातार प्रमोट किया जा रहा है। दोनों साथ साथ मंत्री थे और ये कई भवन के भीतर रहते थे। हमारे बड़े भाई स्वर्गीय हरवंश कपूर जी की पत्नी और आज की विधायक श्रीमती सविता कपूर जी, माननीय विधायक श्री ब्रजभूषण गैरोला जी, माननीय विधायक सुरेश गड़िया जी, किसान आयोग के माननीय अध्यक्ष श्री राकेश राजपूत जी, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चे के अध्यक्ष श्री योगेंद्र पुंडीर जी, महानगर अध्यक्ष श्री सिद्धार्थ उमेश अग्रवाल जी, उत्तराखंड सरकार के कृषि सचिव डॉ डीवी आरसी पुरुषोत्तम जी, कृषि निदेशक श्री गौरी शंकर जी, इस सभागार में उपस्थित दूर दूर से आए हुए सभी सम्मान अन्नदाता, सम्मानित किसान भाइयों बहनों, वैज्ञानिक मित्रों और विभिन्न संस्थानों से यहां पर स्टॉल लगाने वाले समस्त सज्जनों, मीडिया के सभी मित्रों, मैं देवभूमि उत्तराखंड जो भारत की सिरमौर है और उत्तर प्रदेश में जब थी तो उस समय भी सिरमौर थी, यहां के सभी देवतुल्य नागरिकों, भाइयों और बहनों का मैं सादर प्रणाम करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। यह हमारा सौभाग्य है कि आज अपने सहोदर भाई के भाइयों के घर आया हूं। एक समय था जब हम सभी साथ साथ काम करते थे और कितना एक ऐसा इतिहास है कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बचपन यहां पर बीता और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी की जवानी और विद्यार्थी अवस्था लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीता। कैसा यह सुखद संयोग है